नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और आपका स्वागत करती हूं सत्ता संग्राम में राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश की 91 सीटों पर मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत तय कर दी है। ये 91 सीटें देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित 8 राज्यों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, जहां करीब 14 करोड़ मतदाताओं ने 1190 पुरुष और 89 महिला उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। अनिल जी, पहले चरण का जो मतदान है वो हुआ है और संभावना अभी तक जो आंकड़े उस अनुसार ये है कि पूरे देश में करीब 60% से ऊपर मतदान हुआ है। जी, मुझे लगता है कि 65% से ऊपर जाएगा जी। और इसमें खास बात यह कि पश्चिम बंगाल में 70% से भी ऊपर, शायद 75%, हो सकता 80% चला जाए, बड़ा भारी मतदान हुआ पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में सामान्यतः ज़्यादा मतदान का मतलब माना जाता है दीदी ममता बनर्जी के पक्ष में जी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं भी बड़ी विशाल विशाल सभाएं हुई है जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो CPM का वोटर था, अगर बहुत हार्डकोर CPM नहीं है, एंटी ममता वोटर है, शायद एंटी ममता वोटर ने कांग्रेस या CPM की बजाय BJP को अडॉप्ट करने की कोशिश की हो, ऐसा मुझे लगता है जी। और वहां ममता और नॉट ममता, अब नॉट ममता को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। इस पर तो CPM करती थी पहले नॉट ममता, लेकिन उसके दूसरे ध्रुव पे अगर BJP सक्सेसफुली ये बता पाई कि देश का चुनाव है, ये प्रदेश का नहीं है, और देश के चुनाव में ममता के खिलाफ हम ही खड़े हैं केवल, तो हो सकता है वो वोट BJP को मिल गया हो। लेकिन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पोलिंग पश्चिम बंगाल में हुई है और अब ये करिश्मा ममता बनर्जी का ही है या कोई नरेंद्र मोदी का जादू चला है, ये 23 मई को पता लगेगा।